ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ 10,000 ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ପୋଥି ଅଛି ଭବାନୀ ଭାଇ, ତୁମ ଗାଁରେ ପୁରା ଷୋହଳ ଶାସନ ନା, ଷୋହଳ ଶାସନ ଆମ ପୁରୀର ବିଦ୍ୱତା ପଡିକି ଅଛି ଷୋହଳ ଶାସନରେ, ବୀର ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ବୀର ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଇଏ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେଇସବୁ ଗାଁରୁ, ଆମ ଭବାନୀ ଭାଇ ସେଇ ଗାଁରୁ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଯେତିକି ଆପଣ ଷୋହଳ ଶାସନରେ କିମ୍ବା ପୁରୀରେ ପୋଥି ନଥିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 10,000 ପୋଥି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୋଥି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀ ଆଣିକି ହରିଦ୍ୱାରରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇ ନାହାନ୍ତି କେବଳ, ମୁଁ ଲଘୁରେ କହିଲି, ତାକୁ ରିସର୍ଚର ଲଗେଇକି ତାକୁ ଭାଷ୍ୟ କରିବା, ଡିଜିଟାଲ କରିବା, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେଇବା, ଆଉ ତାର ରହସ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବୁ, ସେ ରହସ୍ୟକୁ ନିକାଲନା, ଏସରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କା କହା ଐସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୁଆ ହୈ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମେ ତାଲପତ୍ର ମେ ଲିଖା ହୁଆ ଚିଜକୁ ପୋଥି କହତେ ହୈ। ଦୂସରା ଚିଜ ମୈନେ ଦେଖା, ଶାୟଦ ସଭ୍ୟତା କି ଆରମ୍ଭ ମେ, ଜିସକୁ ହମ ଅଭି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମେ ଫସିଲ କହତେ ହୈ, ଶାୟଦ ମାଡାଗାସ୍କର ସେ ଲେ ଆକେ କିତନା ସାଲ ପୁରାନା ହୋଗା, 20 करोड़ वर्ष से कोई गप्पे कहानी नहीं है, कार्बन डेटेड वैज्ञानिक प्रमाण के साथ, एक स्टेटमेंट के साथ, एक इतनी पुरानी फसिल उन्होंने रखा है। हम सभी को वहां देखना चाहिए, तब मनुष्य सभ्यता की पूरा रहस्य वहां हमको मिलती है। तीसरा देखो रूपू भाई, मैं बात कहूंगा आप उसको ठीक से लिखोगे, आपसे मैं डरता हूं थोड़ा। मैं कभी आज मैं सुबह उड़ीसा में था, मुझ सकाल उड़ीसा रे थी, मत जड़े कि बंधु पचारला जे आज मैं हिंदी में कहते तो उड़िया में कहना पड़ेगा, मेरा कंपल्सन है ना, ना 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 आपको ही समझाना है थोड़ा, आपको ही। आज उड़ीसा ने एक रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड ये है, आज के उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने ज्योति बसु जी के जितना मुख्यमंत्रीत्व रहा उसको आज ड्रॉ किया, कालो लीड करेंगे, कल एक दिन ज्यादा होगा, उनको प्रभु शतायु करे, दीर्घायु करे, बाकी तो कामना नहीं करूंगा, मैं प्रतिद्वंदी हूं, लेकिन भगवान उनको दीर्घायु करे। और निश्चित रूप में एक उड़िया होने के नाते मेरे मन में भी गर्व है कि कम से कम मेरे लोगों ने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो दिया, उन्होंने क्या दिया एक अलग विषय है, उस स्टेबिलिटी के बदले कभी कभी आज की डेमोक्रेसी में, कॉम्पिटेटिव डेमोक्रेसी में किसी को इतने लंबे समय तक लोगों की भरोसा जीत पाए ये कम चीज नहीं है, लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ एक तो डेमोक्रेसी में मेरा एक मत है और किसी का और कुछ मत हो सकता है। मैं ସକାଳେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ରୂପୁ ଭାଇ ଆସିବ ତା ଆଗରେ କରିବି, କେବଳ ଯଦି ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଆସିଥାନ୍ତି କହିନଥାନ୍ତି, ଆମର ଭବାନୀ ଭାଇ ଇଏ ବହୁତ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କୋଉ ପଟେ କେତେବେଳେ କୋଉ କଥାଟା କହନ୍ତି ବୁଝା ପଡ଼େନି, ଆମ ଭଳି ଅବଧ ଲୋକକୁ ବୁଝା ପଡ଼େନି, କେତେବେଳେ ବାଙ୍କୁ ଯିବ ଗାଡି, କେତେବେଳେ ଡାହାଙ୍କୁ ଗାଡି ଯିବ, ସେ କୋଉଟା କହିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଜି ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇଛି, ଫରୱାର୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଫରୱାର୍ଡ ସେ ଏବେ, ମୁଁ ଆଜିକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ପାଇଁ ଆକୁ ରିଜର୍ଭ ରଖିଲି ଯେ ଆଜି ଇଏ ଉତ୍ସବ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ବିରାଜି ଉତ୍ସବ କ୍ୟୁଁ ଆପଣ ଅଭି ଥୋଡ଼ା ମେରେ ପହଲା ପରିଚୟ ଆପଣ କହା କି ମେନେ ୟୁଥ ୱିଙ୍ଗ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହତେ ହୁଏ मैं इनके बारे में एक लेख लिखी थी, एक छोटा सा लेख लिखी, अनुराग जी ये आपने आपने तो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का परिचय किया, लेकिन उनका पहला रूप हमने देखा प्रिया सहगल, वो डायरी आइटम लिखती थी प्रिया जी, उसके पहले भी आपने मेरे ऊपर टिप्पणी किया था, आप भूल गए मेरे को याद है, मैं बताता हूं क्या था। मैं नया नया एमपी होके आया था, शायद 2004-05 की बात है, उड़ीसा विधानसभा में एक बार होके मैं आया था, 4-5 की बात है, मैं
तब आपने एक इंडिया टुडे में एक प्रोफाइलिंग किया था कि भाई कौन सी एमपी ने कैसे परफॉर्म किया, अनुराग जी उसके बाद आप आए पार्लियामेंट में, एक साल के बाद आए। 2008 के एडिशन में पढ़ा ये वाला चुटकुला वाला, लेकिन ये मैं कह रहा हूं 5-6 की बात में, प्रिया जी जिसको भूल चुके हैं, मैंने नहीं भूला, क्योंकि मैं कहीं घूम रहा था कंसुंची में, मेरे वहां का जो एसपी थे उन्होंने मेरे को कहा कि साहब आपको स्टार अवार्ड मिला। मैं बोला यार स्टार अवार्ड क्या होता है, कहां मिला, मैं तो घूम रहा हूं कहीं गांव में। बोले नहीं इंडिया टुडे में आपके बारे में छपा है। मैं बोला कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इंडिया टुडे में क्या छपा है मेरे बारे में। फिर मैंने, तब तो ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, फिर मैं वो देखने का, मैं राजधानी से दूर था, तो फिर मैं 2-3 दिन के बाद राजधानी आया, फिर किसी को संतरपन से पूछा थोड़ा इंडिया टुडे लेके आए हो क्या निकला है देखते हैं। तो आपने एक कई यंग एमपीओ का फर्स्ट टाइमर का आपने प्रोफाइल किया था, आपने मेरे को, मैं भी आज नहीं कहूंगा कितना मार्क था, लेकिन ठीक ठाक नंबर था, जिसमें मेरा हौसला बढ़ा, मेरे अटेंडेंस, मेरे प्रश्न का कंटेंट, पार्टिसिपेशन सब आपने कहा था।